म्यूजिक क्रिएट करने का एक एक्सपीरियंस भी हम करना चाहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई सुर ताल के 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 पर जो हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं उस पे माजरत खा नहीं है लेकिन कहने का मतलब ये है कि कोई बहुत ज्यादा रिहर्सड परफॉर्मेंसेज़ ये नहीं होती बड़ी ऑर्गेनिक परफॉरमेंसेस होती, होती है मतलब जो हुआ बस हो गया बस हो गया, हो गया। कोई किसी ने कहाँ से तान पकड़ ली किसी ने वो मिसरा पकड़ लिया कोई और गाना बीच में आ गया और यही वजह है कि ये नुमान का ये सेगमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है नुमान गुड मॉर्निंग जी अलग थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन एंड क्या क्या है आज आज क्या क्या है जैसे कि आपने अभी जिक्र कर रहे थे कि इंस्ट्रूमेंट्स लेके आ रहे हैं और बहुत सारी फ्यूजन की हम क्रिएशन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हारमोनीय है और हमारे साथ हनान है हारमोनीय पे आ, बहुत ही अच्छा प्ले करता है और साथ हमारे साकिब फिर से वापस आए हैं और जैसे आपने कि... कहा कि हम बिल्कुल रिहर्ज और उस पर नहीं जाते बहुत ही ऑर्गेनिक होती है तो बाय चांस साकिब जो है वो अवेलेबल था तो हमने इसको बोला कि यार हम लोग तो कर ही रहे हैं तो कम जॉइन अस

Uh, किस उम्र बजाना सीखना शुरू किया और ये कितना बड़ी वर्जिश वाला काम है ये है ना? एक हवा पंप करके फिर हाँ। ये रीड्स के अंदर से हवा आती है लाइक जैसे ये है मैंने यहाँ से पंखा मतलब मारा ये पंप किया इसको और यहाँ से रीड्स को हवा है और ये बोल है अच्छा अगर इसको पंप ना करे पंखा ना मारे तो आवाज आवाज निकलती? निकलती। फिर से क्योंकि आ, इसको हवा की ज़रूरत चाहिए होती है ये देखिए। कि आप लेते हैं जैसे जैसे और आपका अब मैं बात कर रहा उस को प्रोसेस करके जो मैं बोलना चाह रहा वो जब वापस एयर आउटफ्लो होती है तब जाके हमारा वोकल निकलता है तो बेसिकली ये पंखा जो है इसको बेलोज भी कहते हैं पंखा भी कहते हैं इसको अगर हम उर्दू ज़बान में कहें तो जैसे हारमोनीम इसका नाम है इसको बाजा भी कहा जाता है मोस्टली क्योंकि हमारे आ, ट्रेडिशनल म्यूजिक में बहुत ज़्यादा एक फेमस है yes. ये इंस्ट्रूमेंट और वोकल के लिए इसको बेसिकली वोकल ट्यूनर भी कहा जाता है कि इफ़ यू वांट टू ट्यून योर वोकल्स अच्छा तो ये इसका एक एक जो की नोट है बेसिकली आपके वोकल के अकॉर्डिंगली इट वर्क्स तो आप कोई भी नोट जब लेते हैं जैसे आपने देखा होगा कि एक सात सुरों का एक साज होता है ठीक है तो ये बेसिकली ये पूरा सात सुर इसके ऊपर बनते हैं okay. तो जैसे कीबोर्ड है वेस्टर्न में इसी तरह हारमोनियम है लेकिन हारमोनियम एक बहुत ही पुराना इंस्ट्रूमेंट है अर्ली नाइनटीन सेंचुरी में आया हम सब कॉन्टेंट में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हमारे गजल्स में आपने देखा हमारे पास कवाली में बहुत ज्यादा यूज यूजिकल क्लासिकल क्लासिकल में गीत में और हर तरह की फॉर्म ऑफ फ्यूजन में आप देखें इसका बहुत ज्यादा रोल है और बहुत ही क्लासिकल की तरह गर, अगर आप देखें तो ये वहां पे बहुत ज्यादा मोस्टली यूज है वन ऑफ द फेमस इंस्ट्रूमेंट्स इन

गोल्डन है बिल्कुल no? दौर yeah. है ए नैयर साहब और आ, क्या क्या गाने हैं आप, आप उसकी ट्यून एवरीथिंग अच्छा हनान आप ये बताओ कि बाजे के ऊपर हारमोनियम के ऊपर जो रियाज होता है प्रैक्टिस होती है तुम सबसे तुम्हारे ख्याल में अच्छा रियाज या पक्का रियाज इस तरह पुरानी जो धुने हैं गाने हैं उनकी धुने बजा के अच्छा रियाज होता है या राग रागनियों के अंदर अगर पढ़े तो ज्यादा अच्छा रियाज होता है इसके ऊपर जरा हमें बताओ बेसिकली तो ये है कि अगर प्रैक्टिस हम प्रैक्टिस को देखें तो प्रैक्टिस को सबसे पहले तो हमें जो लेसन दिया जाता है हारमोनीय का या जो भी हमें राग दिया जाता है उसकी प्रैक्टिस तो होती है उंगलियों के लिए ताकि उंगलियां हमारी अच्छे तरीके से इस पे वर्क कर सके ठीक है ठीक है और अगर हम गले की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास पलटे होते हैं लाइक जैसे सारे गामा पादा निशा लगा लें बिलावल ठाट उसको हम साथ गा के भी करेंगे जैसे सारे गामा पादा निशा ठीक है ऐसे हम गले के साथ भी करेंगे सारे गामा पादा निसा फिर ऐसे ही इसको मतलब जो है वो हारमोनियम के साथ गले की भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा गला भी इसके साथ अच्छी तरह वर्क कर सके और बेसिकली ये है कि अगर गला आप कह रहे हैं कि गले की प्रैक्टिस करनी है तो फिर हमें चाहिए कि हम गले के साथ मतलब इसको मिलाएं और इसकी प्रैक्टिस करें बेसिकली इसके सुर को अपने गले के सुर के साथ मिलाना है जैसे सारेगा

क्योंकि अच्छा। यही हाँ, बता, बता, बता। यही बात है कि देखे बाजात ऐसे लोग होते हैं जैसे कि वो देखते हैं, देखते हैं हैं हारमोनियम को यार ये क्या मतलब ये तो हर कोई बजा लेगा लेकिन जब बेसिकली इसको करना शुरू करें ना तब तो पता चलता है कि इसके किस्म का एक इंस्ट्रूमेंट है इसकी ठीक है जिनके अंदर से ये पंप जो है कि थ्रू आप एयर पास करते मेरे हैं जी। और इस रीड्स के थ्रू इस कीज तक वो एयर पहुंचती है और फिर आप उसको की को प्रेस करते हैं साउंड वो एयर रिलीज होती है और तब जाके वो साँड। एक साउंड आपको मिलती है बिल्कुल ठीक है लेकिन किसी दिन मेरा ख्याल है कि हम हनान को बुलाएंगे और इसको पूरे

पता नहीं क्या होगा अंदर जो बोलता है तो मैं ऐसे खोल के बैठ जाता होता था बाजू मुझे मतलब लगा कि मेरे सही करते हैं बाबा हो गए या उस गए वो मतलब इसको सही करते हैं तो फ्रिज और <laughs> टीवी भी खोल लेते हैं <laughs> हाँ तुम सोचते कि नहीं कौन सा है जो खजाना है जी जी वो खजाना तो है लेकिन वो खोलने से नहीं

और बुकबड़ी भी है जी बिल्कुल है।, good morning. है।, अस, है। क्यों नहीं है। है। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रही थी और आप आपने मुझे बोलने नहीं दिया। जल्दी oh so <laughs> देखें, इन फौरन जवाब दे सकता हूँ हारमोनियम इसलिए हारमोनियम आपके रूह के आपके रूह की खिड़कियां खोल मैं ये नहीं कह रहा कि गिटार अच्छा मेरी है मेरी बात सुने अब हो जरूरी अच्छा। तो नहीं है कि मेरी रूह की खिड़की हारमोनियम खोले क्या पता मेरी, <laughs> मेरी रूह को वो पसंद हो ये क्या बात की <laughs> कि <के> मेरी रूह हर एक रूह की रू अपनी कहानी भाई बहुत <laughs> शर्मा मेरी कहानी ने... को तो मेरी रूह की खिड़की को तो बहुत अच्छा लगा था वो खिड़की आगे खोल ना चिड़िया की तोड़ के अंदर आ जाएगा रूह के <laughs> मेरा, मेरा पॉइंट ये आपने पहले सवाल किया कि आपको कौन सा पसंद है मैंने अपनी पसंद है और कह रही है ये क्या बात हुई आपने तो जवाब दिया मुझे हारमोनियम इसलिए पसंद क्योंकि की खिड़की को खोल आपने कहा की खिड़की खोल लिया लेकिन खोल के आता जरा खिड़की खोलनी खिड़की खोल एक छोटा सा ब्रेक साथियों ब्रेक से जब वापस आते हैं तो हमारे अगली द... बड़ा सीन अगली है, है तो ये तो न... आपका भी चलो ब्रेक में जाते हैं चलो लुट्टी ढोल की चल भाई साकिब की तो छुट्टी हो गई है अगली दफा से तो अब, अब तू तो लेट हो अब बच्चों तो अगली दफा लेट हो तो फिर देख इधर काम चल गया एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आ, वापस आते हैं सोशल मीडिया भी है बकबड़ी भी है मीना तारिक भी आ रही है और मीना तारिक ने आज हमें बिजनेस के जबरदस्त मशवरे देने रही है हमारे साथ ये है राइजिंग पाकिस्तान